एक दुख भरा समाचार उधमपुर जिला से सामने आ रहा है, जहां पर उधमपुर के बटल मोड़ में एक सड़क दुर्घटना हुई है और इस सड़क दुर्घटना में एक महिला की दुखद मौत हो गई है। जो हमारे पास प्राप्त जानकारी पहुंच रही है उसके मुताबिक मनवाल से धमना की तरफ एक मिनी बस जा रही थी और ये बटल मोड़ के पास पहुंचती है, उससे पहले एक ब्रिज पड़ता है, एक पुल पड़ता है, उससे नीचे चली जाती है और इसमें एक महिला की दुखद मौत हो जाती है और 14 लोग के करीब जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोग और पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और लोगों को जो मुजालता का PSC है वहां पर पहुंचाया जाता है और लोगों का वहां पर उपचार जो है वो चल रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये मिनी बस करीब 4:15 बजे की ये सड़क दुर्घटना है, जब ये सड़क दुर्घटना हुई उसके बाद स्थानीय लोगों व पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। यहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और मेरे साथ इस समय DDC मुजालता जो है वो मेरे से जुड़ गए हैं। अमित जी, अमित जी, पूरी जानकारी आपसे लूंगा, आप भी स्पॉट पर हैं और लोगों की वहां पर रेफर कर रहे हैं, थोड़ी भी जानकारी दीजिएगा। दर्शक हमें देख रहे हैं कि एक्सीडेंट कब हुआ है और कितने लोग घायल हुए हैं। ऐसा है कि 14 से 15 लोग घायल हुए हैं और उसमें एक की डेथ भी हुई है, जी और लगभग अभी तक 4-5 पेशेंट जो है वहां से रेफर कर दिए हैं, और एम्बुलेंस जो आ रही है उस पर भी रेफर कर रहे हैं। लगभग सभी लोग सीरियस हैं, किसी की बाजू टूटी है, किसी की टांग टूटी है, किसी को इंटरनल इंजरीज है। तो यहाँ की जो स्टाफ मेंबर है वो लगे हैं अपने से पूरा प्रयास कर रहे हैं और अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने से जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो दी है और आगे उनकी जो जो भी वो कार्रवाई बेचारे जितनी कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। मैं सिर्फ अब वेट कर रहा हूँ, कुछ एम्बुलेंसेज रास्ते में है, उनका वेट कर रहे हैं। अमित जो जी, प्राइवेट गाड़ियों में लोग थे उन्होंने प्राइवेट गाड़ियों में भी लिए हैं अमित पेशेंट जी, को। थोड़ी जानकारी दे पाएंगे कि ये सड़क दुर्घटना किस तरह से हुई? सुना कि पुल के नीचे ही मिनी बस चली गई है। ये बेसिकली वहां से आ रही थी अपने मनवाल से मनवाल से टू बर्ड्स दमा जो बटल है, बटल पहुंचने पीछे बटल के पीछे पहुंची थी, वहां से पुल के नीचे चली गई मेटाडोर। तो अमित जी स्पॉट पर आप भी पहुंचे हैं, जैसे आपको पता लगा आपका भी ये एरिया पड़ता है, तो उस समय स्थिति क्या थी, इंजर्ड्स की क्या स्थिति थी? काफी क्रिटिकल स्थिति थी और उसी वक्त एक बस को रुकवाकर सभी पेशेंट्स उसी में शिफ्ट कर दिए बिना किसी देरी के, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल्स की मदद से जो इंजर्ड इमीडिएटली। हैं, जो क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं, तो उन्हें कहाँ, उधमपुर GMC पहुंचाया जा रहा है या जम्मू GMC? उसमें से 2 से 3 पेशेंट जो है वो जम्मू रेफर कर दिए हैं, उसमें से 2-3 पेशेंट जो है अभी MH जा रहे हैं और कुछ को उधमपुर रेफर कर दिया। तो आप अभी हॉस्पिटल में या स्पॉट पे हैं? अभी हॉस्पिटल में है तो इन लोगों को वहां से रेफर किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। तो एक महिला की सुनने में आया है मौत हुई है, ये कहाँ लोकल उनकी थी, डेथ कहाँ की थी ये? ये अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, उनको लेकिन मर्सी रूम एक में इसमें दुखद रखवाया है। मौत थोड़ी हुई। देर बाद जब ये वाले पेशेंट्स से फ्री होते हैं तो फिर उनको उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद अमित जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तो ये DDC जो मुजालता है ये हमारे साथ थे, अमित शर्मा, और इनका कहना है कि 13 से 14 के करीब लोग जो हैं वो क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं और उन्हें साथ का ही जो PSC मुजालता है वहां पर पहुंचाया गया, लेकिन यहां पर क्रिटिकल कंडीशन देखने के बाद कुछ लोगों को जम्मू GMC रेफर कर दिया जा रहा है और साथ में उधमपुर, और उधमपुर का जो MH हॉस्पिटल है वहां भी रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर जो बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है, मनवाल से दमा जगह पड़ती है वहां पर जा रही थी और बट्टल मोड़ से पहले वहां पर एक ब्रिज पड़ता है, उस ब्रिज के ये नीचे चली गई है और इस सड़क दुर्घटना में एक महिला की यहां पर दुखद मौत हो गई है। धन्यवाद।